Hello students, welcome to the channel Entrance Exam Guide. So guys, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं APTET 2022 application form के बारे में. जी गाइस, आप लोगों का APTET 2022 का जो application form है यहाँ पे release हो चुका है. अब किस तरह से application form fill करना है, क्या step by step procedure है, official link कहाँ से मिलेगी, हर एक चीज़ detail में discuss करेंगे आज इस video. सिंपली क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करना है. इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा. हम देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज, तो नीचे यहाँ पे नोटिफिकेशन कॉलम दिखाई देगा और यहाँ पे गाइस आपको एक लिंक दे दी गई है, क्लिक है टू अप्लाई ऑनलाइन. तो गाइस एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए सिंपली उस लिंक पे क्लिक करना है, ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी APTET आपके सामने. अब गाइस यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ से डायरेक्टली अपना सिलेबस चेक कर सकते हैं, नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं और फिर यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड ऑप्शन आपको दिखाई देगा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन. आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है, आपके सामने कंप्लीट PDF ओपन हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आंध्र प्रदेश TET का. तो गाइस अब आपको क्या करना है, APTET का यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आप डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों को बता दिया गया इस पूरे स्टेप्स प्रोसीजर बता दिया आपको किस तरह से यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है. यहाँ से आप पूरा प्रोसेस कम्प्लीटली डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, टाइमिंग शेड्यूल दे दिया, हर एक डिटेल आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करा दी गई है विद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. तो अब क्या करना होगा नेक्स्ट, यहाँ पे जैसे आपको पेमेंट क्लिक है टू पेमेंट, आपको सिंपली पेमेंट पे क्लिक कर देना होगा और यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे आप जैसे आपको जो जो डिटेल्स पूछा है सारी डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करा देनी है. लाइक आपको अपना नाम एंटर कर देना होगा, नाम एंटर करने के बाद जैसे आपको जो अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देना है. आफ्टर डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को यहाँ पे जो अपना मोबाइल नंबर प्रोवाइड करा देना होगा, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे री एंटर करना है. मोबाइल नंबर री एंटर करने के बाद फिर आप यहाँ पे आंध्र प्रदेश स्टेट से बिलोंग करते हैं, यस या नो आपको सेलेक्ट करना होगा, पेपर सेलेक्ट कर लेना आपको, फिर आपकी फीस यहाँ पे आपको बता दी जाएगी. सिंपली आपको यहाँ पे फिर आपका आधार कार्ड नंबर एंटर कर देना होगा. आधार कार्ड नंबर बाद यहाँ पे जो वेरिफिकेशन दिखा दे रहा आपको ऊपर सेम कैप्चा एज इट इज वाइज आप लोगों को यहाँ पे जो एंटर कर देना है और कैप्चा एंटर करने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होगा और यहाँ पे प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक करना है. आपका पूरा फॉर्म आपको बताया जाएगा, सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना सारी डिटेल्स को वेरीफाई चेक करने के बाद और यहाँ से आप डायरेक्टली पेमेंट गेटवे पे आ जाएंगे. आपको यहाँ से अपना जो पेमेंट कर लेना है, आपकी एप्लीकेशन फ़ी यहाँ से आपको पे करनी होगी. एप्लीकेशन फ़ी पे करने के बाद फिर गाइस आप लोग डायरेक्टली जो आगे नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जहाँ पे आपको सारी दूसरी पेंडिंग डिटेल्स फिल करनी होंगी, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे एंड आप लोगों का जो गाइस यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा. इनकेस कोई प्रॉब्लम फेस होती है, कोई भी इशू तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम ज़रूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे. थैंक यू फ्रेंड्स.